खबर बलिया जनपद के रसड़ा से है, जहां श्रीनाथ बाबा मठ स्थित भगवान विश्वकर्मा के मंदिर पर भव्य भंडारे का आयोजन शिवरात्रि की संध्या पर मंदिर के पुजारी हरिद्वार शर्मा की देखरेख में किया गया था, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वकर्मा मंदिर के पुजारी ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव को भक्ति रूपी त्रिशूल बनाकर दिया था, साथ ही उन्होंने सभी भक्तजनों सहित विश्व के कल्याण की कामना की। सुबह गाजे बाजे के साथ श्रीनाथ बाबा मठ के भगवान शिव मंदिर से बारात निकली और शहर भ्रमण करते हुए अमली बाबा मंदिर छितौनी पहुंची, जहां विधि विधान के साथ भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। उसके पश्चात बारात वहां से निकली और महावीर अखाड़ा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस बारात में हाथी, घोड़े, ऊंट, भूत, पिशाच और नगर के लोगों ने चढ़कर हिस्सा लिया। बलिया से उमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अपना एक पर्चा बताएं। मैं मनीष प्रताप सिंह, नगरा रहने वाला हूं और आज मौजूद हूं यहां पर नाथ बाबा परिसर में विश्वकर्मा मंदिर में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि एक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है, क्योंकि आज भगवान शिव की शादी का अवसर है। इसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाया जाता है। धूमधाम से बारात भी दिन में निकाली गई और अभी संध्या के समय एक भव्य भंडारे का आयोजन किया। किसके नेतृत्व में भंडारा, किसकी देखरेख में चल रहा है भंडारा? ये बाबा जो हमारे पुजारी जी हैं, जो शर्मा जी हैं, इनका नाम है हरिद्वार शर्मा, इन्हीं के देखरेख में, इन्हीं के संयोजन में। सर अपना परिचय बताइए। हमारा हरिद्वार शर्मा विश्वकर्मा, मैं शिवरात्रि के शुभ अवसर पर ये भंडारा किया जा रहा है। कहाँ पे, किस स्थान पे भंडारा किया जा रहा है? किस स्थान पे भंडारा, कौन सा मंदिर है? मंदिर पर। इसका कितने लगभग श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया? कम से कम 500 से ऊपर। 500 से ऊपर लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। क्या कहना चाहेंगे, शिवरात्रि के पर्व है, किस तरह भक्त क्या पूजा करे, क्या मान्यता है शिवरात्रि की? पूजा पाठ करने के लिए सब है, अपना आप लोग सब।